मध्य प्रदेश की दिग्विजय सरकार के मंत्री रहे राजा पटेरिया का एक अजीबो गरीब बयान सामने आया है। दरअसल राजा पटेरिया रैपुरा क्षेत्र में आदिवासियों और वहां के वनांचल के लोगों की शिकायत पर बुलावे पर वहां पर पहुंचे थे कि उनको वनाधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। और इस शिकायत के बाद राजा पटेरिया फ़ोन लगाकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उनको नक्सलाइट भी बना देंगे। उनका यह अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर अब सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल राजा पटेरिया वनवासियों आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यह कह दिया कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम आदिवासी और वनवासियों को नक्सलाइट भी बना देंगे। क्या कुछ कहा राजा पटेरिया ने इस बयान के दौरान, हम आपको पूरा बयान सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। इनको टच करना अपराध है। हर जन आप कानून पढ़े लिखे हुए आदमी हैं और आप कह रहे हैं कोर्ट जाइए। अरे जिनकी साल भर जिनने फसल बोई हो उनकी फसल मिटा दी जाए, जिनके पास खाने दाना नहीं होता हो आज भी लकड़ियां सिर पर ढोते हो, ये भूखे नंगे लोग हैं। कोर्ट में हमने आपके यहाँ रिपोर्ट लिखाई है। ये न्याय जनता का मांगने के लिए आप चल देंगे ना तो अपने आप सारी सरकार झुक जाएगी। उनने अपने मन की वीडियोग्राफी की होगी जब गाली गलौच नहीं कर रहे होंगे। ये बेचारे कहाँ से वीडियोग्राफी करते, उनके वीडियो आपने देख लिए। ये जिंदा आदमी जो बोल रहा है इसके वीडियो नहीं देखोगे आप। इनकी माँ बहन जो आप गाली गलौच की है और घसीटा की है, इनको मारने के लिए दौड़े हैं, ये बेचारे कहाँ से वीडियो बनाते। अरे वो अपना वीडियो बना लेंगे, ये जिंदा आदमी गवाही दे रहे हैं जो जिंदा खड़े हैं। इन जिंदा लोगों के बयान तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप जाके इन जिंदा लोगों के बयान लिखो। जी आपकी आवाज कट रही है, आप अपने SP से बात कर लो और इनके इनके इनको न्याय दिलाने में संघर्ष करो पंडित जी। इनकी आह लगेगी लोहा भस्म हो जाता। आप बयान ले लीजिए इनकी माँ बहनों के, ले लीजिए और बराबरी से फॉरेस्ट वालों पे भी कार्रवाई करिए। अरे वो तो वीडियोग्राफी उनने कर ली, ये कहाँ से वीडियो बनाते बेचारे जिनके पास दो टाइम का खाना नहीं है, ये कब वीडियो बनाएंगे? ये जिस दिन वीडियो बनाना सीख जाएंगे ना हम आप रोडों पे निकल आएंगे। ये जग जाएंगे, बस्तर में नक्सलाइट इसीलिए है, आंध्र में नक्सलाइट इसीलिए है। मैं इनको नक्सलाइट ही बना दूंगा यदि ऐसा होगा तो, और जब कानून न्याय नहीं मिलेगा तो ये हथियार उठाने के लिए तो बात होंगे ही। जब इनकी माँ बहन छेड़ दी जाए, जब इनका खेत उजाड़ दिया जाए तो ये क्या करेंगे? अगर उनको गलत लगता है तो हम आवेदन दिए, हम जांच कर रहे हैं, कोर्ट बैठा है, कलेक्टर साहब बैठे, SP साहब बैठे हैं, भाई उनके लिए ओपन चैनल है हर जगह। आप न्याय दिला दीजिए अन्यथा ये बात रहेंगे लड़ने को, और ये लड़ेंगे तो हम इनका इनका इनके आगे रहेंगे। आपकी लाठी चलेगी, गोली चलेगी, हम खाएंगे। हम आपसे लाठी क्यों चलाएंगे सर जी, आप काहे नाराज हो रहे हो जबरदस्ती हम पे? हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, आप हमसे नाराज ही हो जा रहे हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा भैया, ये मेरे मैं ऐसे बोलता ही हूँ। मैं गरीब आदमी दुखी दिखता है तो मेरा खून खोल जाता है। मैं समझ रहा हूँ आप मेरे बारे में अपने SP से पता कर लो और आप अपने रिकॉर्ड में लिखा होगा मेरा कैरेक्टर। बढ़िया आदमी है सर, आप हमेशा सहयोगी आदमी है और हमारा तो जो होगा आपका सहयोगी होगा।